हाय दोस्तों, राजवंश सिंह मोहाली प्रॉपर्टी गुरुकुल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। ये चैनल हमें रियल स्टेट में ट्रेनिंग के साथ साथ रियल स्टेट में एक्सपर्ट एडवाइस देने का भी काम करता है। हमारे टॉपिक्स जो हैं फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर भी होते हैं। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन ऑफ ए डील। डील की डेफिनेशन क्या है, डील किसको कहते हैं, डील का मतलब अलग तरीके से अपनी शर्तों के ऊपर डील करने को, सौदा करने को डील कहा जाता है। यदि हम सौदा को हिंदी में लिखें तो यह लिखा जाता है सौदा, और इसको यदि हम देखा जाए 100 दो पेच, 100 दो पेच खेलने के बाद, लगाने के बाद जो किया जाता है उसको हम डील कहते हैं, उसको सौदा कहते हैं, डील कहते हैं। और डील को मैंने अपने 4 शब्दों में इस तरीके से मेंशन किया, इसको डी फॉर डन विद एक्स्ट्रा एबिलिटी आफ्टर लर्निंग। वो डील ऐसा शब्द है, डील ऐसी डेफिनेशन है जो हमें करनी जाती है, डन विद एक्स्ट्रा एबिलिटी आफ्टर लर्निंग। आफ्टर लर्निंग के बाद भी एक्स्ट्रा एबिलिटी हमारे में होनी चाहिए। यदि हमारे में एक्स्ट्रा एबिलिटी होगी तो हम डील कर सकते हैं, नहीं तो डील नहीं होगी। तो डील नहीं होगी तो फिर आपको कुछ ना कुछ और करना पड़ेगा, जिसको हम समझौता बोलते हैं। इसके लिए हमें डीलिंग पावर की ज़रूरत है। ये देखो, मैंने डीलिंग पावर लिखी है। डीलिंग पावर क्या है, कोई भी सेलर या कोई भी परचेजर अपने आप को मजबूत स्थिति में रखकर डील करे, वो कैसे कर सकता है। सपोज मैं प्रॉपर्टी लेने वाला हूँ, मैं जो बंदा बेच रहा है, सेलर है, उसको अपनी रिक्वायरमेंट ना बताऊँ, ज़्यादातर ना बताऊँ, कोई एक्साइटमेंट ना दिखाऊँ उनको। और यदि हम एक्साइटमेंट नहीं दिखाएंगे, अपनी कोई कमजोरी नहीं दिखाएंगे, तो हमारी जो डील है वो हमारी शर्तों पर हो सकती है। यदि हम वो आदमी, सामने वाला आदमी या उनका जो एजेंट है, वो हमारी मंशा पढ़ने में कामयाब हो जाए, तो वो डीलिंग पावर ना होके फिर क्या बन जाती है, कंप्रोमाइज़ बन जाता है। कंप्रोमाइज़, डील और कंप्रोमाइज़ दोनों में बहुत फ़र्क है। आपने डील करनी है, कंप्रोमाइज़ नहीं करनी। यदि आप सेलर हो, आपको पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, यदि दूसरे सामने वाले बंदे को पता लग गया तो आपका फ़ायदा उठाया जाएगा। और जब ये कोई भी डील, कोई भी सौदा मजबूरी में किया जाता है, तो वो सौदा डीलिंग नहीं होता, वो कंप्रोमाइज़ होता है। कल ही लालूडू से महेश सैनी मेरे पास आए, उन्होंने कोई प्रॉपर्टी लेनी है, उनके घर के पीछे लग रहा है कोई प्लॉट है, मतलब पुराना मकान बना, उनके घर के पीछे लग रहा है। तो वो जो सामने वाला सेलर है, उसको ये पता लग गया कि उन्होंने ये प्रॉपर्टी लेनी है। जो 40 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है, उसका 53 लाख रुपया मांगना शुरू कर दिया उसने। यदि उसको पता ना लगता कि ये बंदा लेने वाला है, इसको ज़रूरत है, तो वो डील उसको मार्केट रेट पे ही मिल सकती थी। सो हमने मार्केट रेट पर लेने के लिए अपनी कुछ बातें अपने अंदर रखनी है, सीक्रेसी रखनी है, गुप्त रखनी है। गुप्ता का मतलब जो चीज़ें गुप्त रखता है, इसीलिए गुप्ता जो कम्युनिटी है उनको बिजनेसमैन कम्युनिटी कहा जाता है। बिजनेस में जितनी भी बातें आप गुप्त रख सकते हो, सीक्रेट रख सकते हो, सीक्रेसी मेंटेन कर सकते हो, उतना ही आपका फायदा है। यदि आप सामने वाला बंदा आपके दिल को, आपके दिमाग को पढ़ ले, तो आपको फिर कंप्रोमाइज़ के ऊपर लेके जाएगा। दैट विल नॉट बी द डील, वो डील नहीं होगी जो ये लिखा है, डन विद एक्स्ट्रा एबिलिटी आफ्टर लर्निंग, ये डील नहीं होगी, फिर कंप्रोमाइज़ होगा। ये आपने देखना है कि कंप्रोमाइज़ करना है या डील करनी है। यदि आप कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, तो आपको डीलिंग पावर सीखनी पड़ेगी। डीलिंग पावर में आपने, यदि हमें प्रॉपर्टी 100% पसंद भी है, तो भी हमें उसको असेसमेंट नहीं होने देनी कि प्रॉपर्टी हमें पसंद है। हमें एक्साइटमेंट नहीं दिखानी। हम यदि बड़े आराम से चलेंगे तो आराम से डील कर लेंगे। ये ज़रूरी नहीं कि आज देखिए डील आज ही करनी है, टाइम लो, इसमें टाइम जितना ले सकते ले लो। हाँ, यदि आपको लगे कि हर एंगल से ठीक है, ये सौदा छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि कल को हो सकता है ये सौदा बिक जाए, तो वो डील फिर आपको तुरंत कर भी लेनी चाहिए।
लेकिन वो ऐसा सौदा जो होता है फायदे का होता है, फिर ये भी डील होगी, ये आपका कंप्रोमाइज नहीं है, ये आपके साथ कोई मतलब किसी ने आपको ज़बरदस्ती नहीं थोपा आपके ऊपर, आपने कैलकुलेशन के साथ ली है। यदि आप कैलकुलेशन के साथ लोगे, सामने वाले के साथ डीलिंग पावर के साथ डील करोगे, डील को इस डेफिनेशन के साथ मिलाओगे, तो आपकी लूट नहीं हो सकती, आप बिल्कुल विन विन सिचुएशन में हो सकते हो, अपनी सारी शर्तें आप मनवा सकते हो। यदि आप का पता लग जाए कि सामने वाले बंदे को पता लग जाए कि आप कहीं पर कमज़ोर हो प्रॉपर्टी लेने में या और करने में, तो फिर डील नहीं होगी, दैट विल बी द कंप्रोमाइज। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही, टेक्निकल चीज़ थी, मेरे दिमाग में थी, मैंने ये सोचा कि मैं जो भी कुछ मेरे अंदर है वो सारा ही आपके सामने खोल के जाना है मैंने, अपने जब मैं इस दुनिया से जाऊँगा तो हर एक चीज़ यहीं दे के जानी है। सो ये मेरे दिमाग में था, तो मैंने आपके साथ ये शेयर करने का मन बनाया, तो मैं ये वीडियो आज आपको दे रहा हूँ। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आएगी, यदि पसंद आती है तो लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ इसके ऊपर बात करो। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा दो। कोई नए टॉपिक और वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में, कोई वीडियो में सजेशन देना चाहते हो फिर कमेंट बॉक्स में, आपका कोई प्रतिक्रिया है वो भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। बहुत जल्द नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा, आपका दोस्त आपका होस्ट राजवंत सिंह मोहाली। थैंक यू।